उधर उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ साथ गांव में भी पानी घुस रहा है, बस्तियां डूब रही हैं। क्या नेता और क्या इंसान, हर कोई परेशान है और जानवर बेहाल। यूपी में 1 जून से अब तक बारिश से मरने वालों की संख्या 175 पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पूर्वी और मध्य यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जब शहर में पानी घुसता है तो किसी को बख्शता नहीं। क्या नेता और क्या इंसान, हर कोई इसकी जद में आ जाता है। सबसे पहले पानी की मनमानी दिखाने आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बहराई। यूपी के बहराइच में बारिश के बाद जल भरा हुआ तो जिला अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं पर आपातकाल लग गया। पानी भरने की वजह से लोग घंटों महिला अस्पताल के बाहर पानी उतरने का इंतजार करते रहे। 4 घंटे की बारिश में बहराइच की गलियां तालाब बन गईं, बड़ी बड़ी कोठियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। खुद बीजेपी विधायक सुभाष त्रिपाठी के घर का हाल देख लीजिए। घर में पानी घुसा है और विधायक जी की गाड़ी पानी में डूबी है। गैस के सिलेंडर की सप्लाई करने वाले हों या दूध देने वाले, सबको इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जब ये शख्स घर से काम के लिए बाइक लेकर निकला तो वो चल रही थी, लेकिन देखिए बंद हुई तो कैसे धक्का लगाना पड़ा। बच्चे घर में कैद हो गए क्योंकि स्कूलों में पानी भरा है। सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। जिन्हें वक्त पर काम से पहुंचना था वो बेवक्त पहुंच रहे हैं। ये बहराइच का नानपारा इलाका है। जल भराव इतना कि टापू नजर आने लगा है। हाथों को पतवार बनाकर ये शख्स इस मजबूरी की नाव से किनारे तक खींचने की कोशिश कर रहा है। नानपारा में 200 परिवार इस पानी में फंसे हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम बोट के जरिए रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रही है। बहराइच में 758 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 43% ज्यादा है। जब बारिश होती है तो कुछ इस तरह आपकी गलियों में पानी भर जाता है और इसी तरह आपके बच्चे पानी के बीच में स्कूल जाने को मजबूर होते हैं। ये तस्वीरें यूपी के जौनपुर के शास्त्री नगर की हैं। बारिश से नाले भर गए तो गलियों में पानी भर गया। सुबह सुबह जब स्कूल की बस बच्चों को उनको घरों से लेने आई तो लग रहा था वो चल नहीं रही बल्कि पानी में तैर रही है। बस कहीं नाली या गड्ढे में न गिर जाए, इसलिए जो शख्स वीडियो बना रहा था वो बस वाले को बता रहा है कि बस सीधे लेकर चलो, किनारे से हाँ ठीक है, हाँ ठीक। गलियों में पानी इतना था कि लोग घरों में कैद हो गए और जो जरूरी काम से बाहर निकले उन्हें घुटनों तक भरे इस पानी से गुजरना पड़ा। यूपी के जौनपुर में 256 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 38% कम है। अब कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का हाल देख लीजिए। सीवर के जरिए पहले रसोई घर में पानी घुसा, प्याज समेत दूसरे खाने के सामानों को स्टूल पर रखना पड़ा। जानलेवा बदबू के बीच इस प्लास्टिक के स्टूल पर खड़े होकर घर की महिलाओं को खाना बनाना पड़ रहा है। रसोई के साथ इस बेडरूम की हालत देखिए। छोटा बच्चा रो रहा है तो इसी पानी के बीच में टहलाकर उसे चुप कराया जा रहा है। यूपी के रायबरेली में 337 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 5% कम है। यूपी के रायबरेली के सोनिया नगर, इंदिरा नगर, सर्वोदय नगर, शक्ति नगर, शालीसहाट समेत आधे शहर में जल भराव से लोग परेशान हैं। ये जो आप पानी से भरा हुआ स्कूल देख रहे हैं वो यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का गोद लिया हुआ स्कूल है। तस्वीरें कुशीनगर के सोहराना प्राथमिक विद्यालय की हैं। इन बच्चों को देखिए कैसे नंगे पैर पानी को पार करके स्कूल तक जा रहे हैं। कहीं पानी के बीच में ईंटों का रास्ता बनाकर उसे पार किया जा रहा है। बच्चों की भी संख्या कम हो गई है पानी में और इतना सर फिसलन है कि कोई बच्चा आ भी नहीं पा रहा है। हम लोग को जाने में दिक्कत हो रही है सर। स्कूल में मंत्री जी पहुंचे थे तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री जी जो है गोद लिए हैं और पहले जो है आए थे गोद लेने के लिए, उसी समय हुआ कि इसमें जो है बाउंड्री हो जाएगा और मट्टी भराई हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। लेकिन 2 सालों से स्कूल में पानी भरने की शिकायत प्रशासन से की जा रही, सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं। जब स्कूल में बच्चों ने आना बंद कर दिया तो मौके पर कलेक्टर साहब पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में पानी भरने की क्या वजह बताई वो भी सुन लीजिए। कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके नाली को पाट लिया है, इसके लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया है। SDM SO और जो है DPRO ऋषि मंदरेगा सभी को कि इसको तत्काल अतिक्रमण हटवाएं, नाली साफ कराएं। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद हर मंत्री ने एक विद्यालय गोद लिया था। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक हैं
और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सहरौना के प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया। अतिक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों से स्कूल में पानी भरने की शिकायत दर्ज कराई जा रही है। वहीं बारिश की बात करें तो यूपी के कुशीनगर में 118 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 80% कम है। बारिश किसानों के लिए भी आफत बनकर बरसी। जहां तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, वहां कभी खेत हुआ करते थे और यहां धान की फसल खड़ी थी, लेकिन जलभराव ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस किसान को देखिए, जो अपनी बर्बाद हुई फसल को पानी में से निकाल कर दिखा रहा है। तस्वीरें इटावा के बसरेहर ब्लॉक की हैं। इस घर को देखिए, जिसकी कच्ची दीवारें बारिश की मार नहीं झेल पाई और वो भरभरा कर गिर गया। इटावा में 334 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 6% कम है। इटावा में अहनया नदी उफान पर है, इसकी वजह से इटावा के बसरेहर ब्लॉक के दर्जन भर गांव पानी में डूब गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जून से अब तक 394 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 3% कम है। बारिश की वजह से यूपी में 1 जुलाई से अब तक 175 लोगों की मौत हो चुकी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।